नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिस विषय में चर्चा करेंगे वह सूर्य देव को अर्घ देते समय किन बातों का हमें ध्यान जो देना चाहिए, तथा हम जो आज सूर्य देवता को प्रणाम कर भी अपने जीवन के किस प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ति कर सकते हैं। वेदों में कुछ देवताओं को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। इन्हीं में से कलयुग में जिन्हें साक्षात देव माना गया है वो है सूर्य देवता। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, यानी मनुष्य की आत्मा जो है वो सूर्य ही है। इसलिए ऊर्जा और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सूर्य का पूजन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। आप देखेंगे कि जो भी मनुष्य सूर्य को अर्घ देते हैं या सूर्य देवता को आप प्रणाम करते हैं या सूर्य जल देते हैं या सूर्य को अपने भगवान के रूप में मानते हैं, उसमें आत्मविश्वास जो होता है वह गजब का होता है। उसमें आकर्षण बहुत होता है, वह लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तथा एक जो है वह बहुत ज़्यादा लोगों में प्रयोग करके भी यह देखा गया है कार्य कि उनमें जो है बुरी नज़र कभी नहीं लगता या उन पर जो है तंत्र क्रियाएं कार्य नहीं करता। क्योंकि जब सूर्य देवता की पूजा की जाता है तो त्राटक करते हैं या हमारी जो कुंडली में जागरण करता है तब उनमें एक प्रक्रिया होता है जिसमें सूर्य त्राटक माना जाता है, तथा कुंडली भी जागरण में जाते हैं तब भी हम एक ऐसा मंत्र बोलते हैं जिससे कि हमारे अंदर के जो ऊर्जाएं हैं वह साक्षात जागृत होकर हम पर आत्मविश्वास जगाने लगते हैं। कुंडली भी जागरण करते समय हमारे शरीर में यह सूर्य देवता को आप साक्षात माना जाता है या हमारे शरीर से ऊर्जा प्रभाव निकलने लगता है और हमारे जीवन में जो है सूर्य देवता का सीधा सीधा असर होकर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, तथा हमारी यह मनुष्य की शरीर के आसपास एक ऐसा ऑरा बन जाता है जैसी पॉजिटिविटी आ जाता है, जो तंत्र क्रियाएँ हैं कार्य नहीं करता, किसी की बुरी नज़र नहीं लग पाता, तथा देखा जाए तो वो व्यक्ति जो है दूसरों के मुकाबले अधिक सुखी तथा खुश रहते हैं। सुखी यहाँ पर हम भौतिक सुख जो है उन्हें नहीं कहूँगा, जो सुख होता है मन का सुख होता है, उनके मस्तिष्क का सुख होता है, उन्हें साक्षात पर प्राप्त होने लगता है। तो कलयुग में जिस साक्षात देव सूर्य देवता की आराधना करते हैं तो आपके जीवन के सभी प्रकार के जो मुश्किलें हैं वो समाप्त होता है, तथा आपको जो है नई ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी के साथ जब हम उन्हें देव मान रहे हैं तो उनके कुछ नियम पालन भी होंगे, क्योंकि देवों के जो पालन होते हैं वो मनुष्य को सदैव ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले सदैव स्नान करने के बाद ही आप जो है सूर्य देव को जल दें। कभी भी अपने कपड़े जो होंगे गंदे नहीं होने चाहिए, सदैव स्वच्छ कपड़े पहनकर ही अपने जो सूर्य देवता को जल देना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक जो मैं आपसे कार्य करने के लिए कहूँगा, जो कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो अधिकतम लोग करते भी होंगे शायद, जब भी आप नींद से जागे सबसे पहले तो धरती माँ को जो प्रणाम हम करते हैं, उसके बाद यदि कार्य ना भी कर सके तो मैं कहूँगा कि जो आप ब्रश करने से पहले भी अपने गैलरी या अपने घर के बाहर निकलिए, जहाँ से भी आपको सूर्य की पहली किरण मिलता है वहाँ पर जाकर सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद ही जो है अपने दिन की जितने भी कार्य है वह की शुरुआत करें। आपसे भी 2 सेकेंड का कार्य है, आप ये कार्य महीने भर करके देखिए, आप देखेंगे गजब का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी वाणी पर आपका जो निरंतर है वह बोने लगेगा, क्रोध जो है शांत होकर क्रोध अच्छी जगह पर लगने लगेगा, यानी कि जो आपके अंदर का क्रोध जो है वो पॉजिटिव तरीके से लोगों पर जो है असर दिखाने लगेगा। आप पर जो है बुरी नज़र का धीरे धीरे असर खत्म होने लगेगा और आप पर जो क्रिया भी है ये आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ कर रखा है उसका भी असर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सूर्य देवता का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सरकारी सुख भी आपको प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए स्नान करने के बाद आसन में खड़े हो जाइए। आसन पे खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल ले ले, तथा इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। मान्यता है सूर्य देवता को मीठा जल चढ़ाने से मंगल के जो दोष होते हैं वह दूर होते हैं। जो भी बच्चे हैं मांगलिक है, जो कन्या है मांगलिक है, जो चाहे पुरुष मांगलिक है, जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रहा है उन्हें मंगल दोष अगर समाप्त होगा तो वहीं जब वे सूर्य देव का जल देते हैं तो शनि दोष से भी आपको राहत प्राप्त होता है। सूर्य देवता का अगर आशीर्वाद बन जाता है तो आपके जीवन में शनि के साथ ही साड़ी या
समस्याएं जो चल रहा है वो भी समाप्त होगा, जो मंगल दोष है वो भी मीठा जल यहाँ पर सिर्फ सिर्फ मिश्री ही मिलाकर आपको जो है बनाना है, तांबे का ही पात्र लेना है, इसका व्यास रखना है। जल देने के बाद जो है प्रणाम करें। सुबह के समय में सूर्य के किरणों से जो औषधि समान जो किरणें हमें प्राप्त होती है, इसे सूर्य को अर्घ देने से पहले सूर्य देवता को हाथ जोड़कर हमें नमस्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं, वह हमारे प्रकाश से अपने सारा संसार को उजाला दे रहे हैं। तो आप उन्हें प्रणाम कर अपना जो प्रसन्नता है जाहिर करते हैं तो आपको आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। आप उन्हें गुरु मानकर भी देखेंगे तो आपको निरोगी काया मिलेगा और आप सदैव जो है अपने आप में एक यंग जो होता है मनुष्य, जो मस्तिष्क जो होता है सदैव भी कभी बुढ़ापे की ओर नहीं जाता है, उनके विचार जो सदैव यंग रहता है, तरीके से कह सकते हैं कि सदैव नए विचार रहते हैं, उस प्रकार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप जो है एक बात और बताना जरूरी होगा कि सूर्य देवता को सदैव जल जो आप दे तो धार जो है आपकी रहेगा, धीरे धीरे ही जल करके चढ़ाएं। ध्यान रहे कि सूर्य देव को जल चढ़ाया जो किसी के पैरों को स्पर्श ना कर सके, इस बात का आप ध्यान रखें। कई बार सवाल आते हैं कि हम क्या गमले में जल दे सकते हैं, जी आप बिल्कुल दे सकते हैं, तुलसी में जल दे तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता जो हैं उनका आशीर्वाद अगर आप धरा देते हुए किसी भी प्लांट में या किसी भी पौधे में पेड़ में जाता है तो ये तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके घर के लिए भी और आपके जो परिवार के लिए भी, ये किसी भी पैर में नहीं जाना चाहिए। सूर्य देव को जल जमीन पर जब हम देते हैं तो जमीन पर गिर जाता है तो अर्थ का संपूर्ण लाभ जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए चढ़ाया हुआ जल जो है वह किसी पात्र में कर लीजिए, उसके बाद किसी लक्ष्य में डाल दीजिए, या घर में अगर पौधे हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा, तुलसी देवी को चढ़ा दें तो भी बहुत शुभ रहेगा आपके घर के लिए भी। इसी के साथ इस अर्घ देते समय थोड़ा सा जल बचा लें, उसके बाद सीधे हाथ में लेकर आपने चारों दिशाओं में सूर्य देवताओं को जो है जल या चारों दिशाएं होती हैं उन पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना चाहिए। इससे कहा जाता है कि हमारे आसपास का वातावरण या हमारे जो मनुष्य की काया है उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का एक घेरा बनने लगता है, जिससे कि हमारी रक्षा होने लगता है तथा हमें चारों दिशाओं से जो है शुभता प्राप्त होने लगता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद प्रस्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो कार्य कुछ लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा डीप में है, जो सूर्य जल अर्पित करते हैं, कई बार जो है यह क्रियाएं कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो इसमें भी चिंता कई करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो देव होते हैं या जो देवता होते हैं वो सिर्फ आपकी श्रद्धा भक्ति देखते हैं। अगर आप सिर्फ जल देते हैं, श्रद्धा से जल देते हैं, अपनी निष्ठा से जल देते हैं तो उतना भी काफ़ी होगा, परंतु अगर आप कुछ कार्य और कर सके समय निकाल कर तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। आप जो है 3 बार ही घूमकर परिक्रमा करें, जिससे ऐसा माना जाता है कि साक्षात सूर्य देव की परिक्रमा कर रहे हैं तथा परिक्रमा करने के बाद आपको जो उसका लाभ है पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगता है। इसके बाद आसन जो है उठाकर उस स्थान से जो हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हम खड़े हैं वहीं से संचार हुआ है, तो आप जो है नमन करेंगे, आसन के बिछाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कभी भी जमीन पर बैठकर जो खाली जमीन होता है, पूजा पाठ यज्ञ या फिर किसी प्रकार की भी कोई भी पूजा या कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो उसका जो शुभ हमें जो शुभता मिलने वाली होती है वह शरीर में एनर्जी नहीं जाकर सीधा धरती में चला जाता है। हो सके तो आसन बिछा कर ही जितने भी पूजा के कार्य होते हैं सदैव करने चाहिए, जिससे कि उसका जो लाभ होता है वह मनुष्य को प्राप्त हो सके। इसके अलावा पात्र में एकत्रित हुए जो जल होता है इसे मिट्टी में या किसी गमले में डाल दीजिए। यहाँ पर जो है आप जल में ही एक पुष्प भी रख सकते हैं, परंतु कई बार सवाल ये आता है कि हम रोज जो है पुष्प की व्यवस्था या फूल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो ये जो कार्य है कंपल्सरी नहीं है, आप श्रद्धा से जो है जल अर्पित करिए। इसके अलावा यही कहूँगा कि जब भी आप जल अर्पित करने लगें
तब आप जो है सही दिशा में खड़े हों, सही तरीके से खड़े हों, स्वच्छ कपड़े आपने धारण किए तथा आपके मन में भी जो है श्रद्धा भाव हो पूरा होना चाहिए। जल्दी जल्दी में किया गया कार्य जो है आपको जो फल है वह प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप जो है 2 मिनट का या कम से कम आप अभी अध्यात्म की तरफ नहीं हैं तो सिर्फ आपको 30 सेकंड के लिए कहूँगा त्राटक मुद्रा में अवश्य आएँ। यानी त्राटक यानी किसी भी चीज़ यानी वस्तु को एक टक देखना होता है। जब वह सही सूर्य त्राटक करेंगे या सूर्य के जल के साथ में तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आने लगेगा। परंतु यहाँ पर आप नहीं हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का ही त्राटक जो है आप करें, जिससे आपके जो ज़्यादा आपका जो शरीर है वो सभी दिशा में त्राटक कर सके तथा उसके बाद आपको सिर दर्द या किसी भी और तरह की परेशानियां ना आए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।